है गाइस, दिस इज मिता, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम देखेंगे कि मेकअप के पहले और मेकअप के बाद हम कैसे अपने स्किन को प्रेप करते हैं, मेकअप करने से पहले कैसे प्रेप करना चाहिए हमें और मेकअप करने के बाद कैसे हमें प्रेप करना चाहिए। सबसे पहले मैं दो बात बता दूँ कि मेकअप करने से पहले हमें इसकी इसीलिए प्रेप करना चाहिए क्योंकि हमारे स्किन पे जो भी सब प्रोडक्ट्स लगते हैं वो हमारे स्किन के अंदर ना जाके हमारे स्किन को इफेक्ट को ना करें, जैसे फाउंडेशन, कंसीलर, बहुत सारी चीज़ें जो हम यूज़ करते हैं, आपको पता ही है क्या क्या, तो वो सारी चीज़ें हमारे स्किन पे जाके हमारे स्किन को इफेक्ट ना करें, एक्ने वाले, ब्रोंज वाले प्रॉब्लम्स ना हो, फ्लेकीनेस ना हो हमारे स्किन पे, यही सारे चीज़ों के लिए हम लोग स्किन केयर करते हैं मेकअप से पहले। और इसकी वजह से ही हमारा जो मेकअप बेस है वो अच्छा बनता है, मेकअप हमें फ्लॉलेस दिखता है। और लेकिन यही सारी चीज़ हमें मेकअप के बाद भी करना चाहिए, बस मेकअप रिमूव कर दो, एक कुछ भी लगा लो, इनफ ऐसा नहीं है। उसके बाद भी आपको करना चाहिए, अपनी स्किन को अच्छे तरीके से प्रेप करना चाहिए, अपने स्किन को हेल्दियर दिखना चाहिए। तो वही वाला मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, तो चलिए देख लेते हैं मेकअप से पहले क्या क्या करना चाहिए, उसके बाद मैं दिखाऊँगी आपको मेकअप के बाद आपको क्या करना है। ओके, तो चलिए देख लेते हैं कि मेकअप के पहले हमें हम कैसे अपनी स्किन को प्रेप करें तो हमारा जो फेस है, फेस मेकअप है, वो फ्लॉलेस दिखेगा, फ्लॉलेस दिखेगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो मैंने अपने फेस को फेस वॉश से वॉश कर लिया था, उसके बाद मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ ये है टोनर, ये गुड वाइब्स की नीम एंड तुलसी टोनर है जो कि एक्ने प्रॉब्लम्स, पिंपल प्रॉब्लम्स को रिमूव करने में मदद करती है। और अगर आपके स्किन पे इचिंग वाले प्रॉब्लम्स होते हैं तो उसको भी ये हटाने में मदद करती है। अपने नेक, ईयर और लिप्स को बिल्कुल अवॉइड ना करें, अच्छी तरीके से क्लींस करें। तो उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ सीरम, फेस सीरम। यहाँ पर मेरे पास है ये गुड वाइब्स की विटामिन सी एंड B3 टोनर जो कि हमारे स्किन के लिए बहुत ही अच्छा है। इसको मैं सर्कुलर मोशन पे अपने स्किन पे लगा रही हूँ, जितने भी दाग धब्बे हैं इससे ये इसको हटा देगा, बहुत हद तक हटाने में मदद करता है, तो इसीलिए मैं इसको यूज़ कर रही हूँ यहाँ पर। उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ फेस मॉइस्चराइज़र जो कि है ममर्थ का एंटी पोल्यूशन फेस क्रीम, बहुत ही अच्छा फेस क्रीम है ये। अगर आप कहीं बाहर जा रहे हो तो बस ये क्रीम लगा के भी जा सकते हो, पोल्यूशन से आपको अच्छे तरीके से प्रोटेक्ट करेगा, लेकिन हाँ सन से प्रोटेक्ट नहीं करने वाला है। इसको मैं सर्कुलर मोशन में अच्छे तरीके से लगा रही हूँ अपने फेस पे, सर्कुलर मोशन पे आपको अच्छे तरीके से मसाज करते हुए इसको लगा लेना है। और अपने नेक को भी बिल्कुल अवॉइड ना करें आप। तो मैंने इसको अच्छे तरीके से लगा लिया है। उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ सनस्क्रीन जो कि ममर्थ की सनस्क्रीन है, SPF 50 PA++, बहुत अच्छा वाला सनस्क्रीन है, आपको अपने नेक पे भी लगा लेना थोड़ा सा। अगर आप दिन के टाइम कहीं निकल रहे हो तो सनस्क्रीन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जो कि आपको लगाना है, तो इसको भी मैं अच्छे तरीके से अपने फेस पर लगा रही हूँ और नेक पे भी मैंने इसको थोड़ा सा लगा लिया है। सो इसको मैंने मसाज करके लगा लिया है। उसके बाद मैं लगा रही हूँ लिप बाम जो कि NYB का लिप बाम है, ये लेमोनी फ्लेवर है, लेमन पुटिंग फ्लेवर है, बहुत ही अच्छा वाला लिप बाम है ये, बहुत ही अच्छा वाला लिप बाम है। उसके बाद मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ ये द मॉम्स को अंडर आई क्रीम जो कि आपके एंटी एजिंग्स के लिए, आपके पफिनेस आई के लिए, डार्क स्पॉट्स के लिए, डार्क सर्कल्स के लिए ये बहुत अच्छा काम करता है। अगर आपके पिगमेंटेशन वाले प्रॉब्लम से उसको भी रिमूव करने में मदद करेगा, तो इसको मैं अच्छे तरीके से लगा रही हूँ। अगर चाहे तो आप फिंगर टिप से भी कर सकते हो, नहीं तो आप उसमें जो एप्लीकेटर आता है उससे भी कर सकते हो। तो आपने देख लिया कि कैसे हमने अपना मेकअप के पहले, इस वाले मेकअप के पहले मैंने कैसे अपने फेस को प्रेप किया था। अब देखेंगे कि हम मैं कैसे अपने मेकअप को रिमूव करती हूँ, कौन सा मेथड मैं यूज़ करती हूँ जिससे मेरे एक्ने प्रॉब्लम्स नहीं होते। हाँ ये हो गया है, ये होता है, लेकिन क्यों हुआ है ये मैं नहीं बता सकती। एनीवेज तो अभी मैं सबसे पहले मैं अपने ज्वेलरी खोलूँगी और मैं आपसे बात करने वाली हूँ। तो मैं ये बताने वाली हूँ कि हमें मेकअप अच्छी तरीके से उतारना चाहिए, और हम बहुत बार मेकअप उतारने के बाद भी मेकअप रह जाता है, वो हमें बिल्कुल भी पता नहीं चलता। तो वो मेथड भी ऐसा थोड़ा सा भी मेकअप जैसे हमारे फेस पे ना बचे, वो वाला मेथड मैं अभी आपको बताऊँगी। सबसे पहले मैं अपने फेस को क्रीम क्लींस करने वाली हूँ।
तो मैं यहाँ पर यूज़ करने वाली हूँ ओरिफ्लेम का के लव नेचुरल 3-in-1 क्लिंजर नरिशिंग ड्राइंग स्किन वाइल्ड रोज। बहुत अच्छा इसका स्मेल। सो मैंने चेंज कर लिया है, अभी मैं इसको इस तरीके से बन बना ले रही हूँ ताकि थोड़ा सा भी मेरे बाल इरिटेट ना करें मुझे। देन मैं अप्लाई करने वाली हूँ ये वाला नेचुरल जो एलोवेरा बताया है मैंने प्रोडक्ट का नाम आपको। सो देन अप्लाई इट, ऐसे आपको लेना है बहुत सारा प्रोडक्ट, ऐसे बहुत सारा क्रीम लेना है, रब करना है, मेकअप मसाज करना है, जेंटली मसाज करना है आपको। ये लिपस्टिक बहुत मैट है तो ये नहीं जाएगा शायद, इससे भी ऑयल से भी नहीं जाता है, तो गार्नियर मसाला से भी नहीं जाता है, बहुत ही बहुत मैट है ये। फेस को वॉश कर लेते हैं, किस फेस वॉश वॉश करेंगे वो भी दिखाऊंगी, तो वॉश कर लेते हैं। मैं वॉश करने वाली हूँ ये अल्प्स गुडनेस का स्वीस लव रोज फेस वॉश विथ मलबेरी स्ट्रैक्स, तो इसको मैं यूज़ करने वाली हूँ, तो मैं फेस वॉश कर लेती हूँ। ये एक जेल बेस्ड फेस वॉश है जो कि जेंटली आपकी स्किन पे काम करेगा, तो मैं इससे मुंह धो के आती हूँ। तो मैंने अपने फेस को वॉश कर लिया है, तो ये हो गया डबल क्लींजिंग मेथड, लेकिन मैं यहाँ पर ट्रिपल क्लींजिंग मेथड यूज़ करने वाली हूँ। तो इसके लिए मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ ये गार्नियर का मसेलर वाटर, इसको मैं कॉटन पैड की मदद से ऐसे ले लूँगी और इसको मैं जेंटली अपने फेस पे अप्लाई कर लूँगी अच्छी तरीके से, मतलब जितने भी मेकअप होंगे वो सारे ही इससे निकल जाएंगे, अगर बच्चे होंगे तो, और बच्चे होंगे ही, मैं अभी आपको दिखाऊंगी इसका कि कितने सारा प्रोडक्ट तभी भी बच जाता है डबल क्लींजिंग मेथड करने से भी। इसीलिए अगर आप गार्नियर मसाला वाटर यूज़ नहीं करते हो तो आपको कोई टोनर या कोई भी चीज़ कॉटन पैड में लेके आपको इससे अच्छे तरीके से अपने फेस को ईयर को देखो कितना गंदा है, कितने सारे प्रोडक्ट देखो अपने हर जगह आपको ऐसे से रिमूव कर देना है। और लिप्स को अवॉइड बिल्कुल मत करो, उसको भी नरिशिंग की ज़रूरत होती है, क्लीनिंग की ज़रूरत होती है। सो ये वाला तो हो गया, उसके बाद मैं यहाँ पर यूज़ करने वाली हूँ लिकोरिश अल्प्स गुडनेस की लिकोरिश टोनर, जिससे मैं अपनी स्किन को अच्छी तरीके से टोन करने वाली हूँ। बहुत ही अच्छे फ्रेग्रेंस है इसका और बजट फ्रेंडली भी है कि, और बहुत अच्छा टोनर है ये। थोड़ा सा मेरा मुंह भी चला गया बात करते करते। सो ये बहुत जल्दी सूख भी जाता है, तो उसके बाद मैं यहाँ पर यूज़ करने वाली हूँ, मैं सीरम्स यूज़ करना बहुत पसंद करती हूँ, तो मैं यहाँ पर यूज़ करने वाली हूँ सीरम। मेरे पास बहुत सारे सीरम्स है, मेरा मोस्ट फेवरेट सीरम है ये, इसको मैं नाइट टाइम में यूज़ करती हूँ। ये है स्पावेक का वाइटनिंग ट्रिपल केयर सीरम, इसका रिव्यू मैं भी आपके साथ बहुत जल्दी शेयर करने वाली हूँ। इसको भी मैं 2 महीने से यूज़ कर रही हूँ और इसका भी इसको ये भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, इसका रिव्यू मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो इसको जेंटली आपको अपने फेस पर ऐसे लगा के जेंटली आपको अपने फेस पे मसाज करना है, बस जेंटली हो गया, मैंने उसको मसाज भी कर लिया। उसके बाद करना है, आप चाहें अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आप बस मॉइस्चराइजर लगा के ही या सीरम लगा के ही आप छोड़ सकते हैं अपनी स्किन को, लेकिन मैं यहाँ पर यूज़ करने वाली हूँ ये मॉइस्चराइजर, माय मोस्ट फेवरेट मॉइस्चराइजर है ये। ये है सिप्ला का एक्स्ट्रा मैक्स मॉइस्चराइजर फॉर ड्राई एंड इचिंग स्किन। मेरा स्किन ड्राई तो नहीं है लेकिन इचिंग वाले प्रॉब्लम्स होते हैं, इतने सारे मेकअप यूज़ करना पड़ता है तो इसको यूज़ करना बनता है।
तो उसके साथ मैं एक लोशन भी यूज़ करती हूँ जो कि है डिनासाइड लोशन। ये लोशन को मैं इसमें बस एक ड्रॉप मुझे इसमें लेना है। इस लोशन को मैं ऐसे लेती हूँ अपने हैंड्स में और दोनों को मिक्स करती हूँ, मिक्स करके नॉर्मली जैसे मैं लगाती हूँ हर क्रीम वैसे ही मुझे अपनी स्किन पे इसको लगा लेना है। अगर आपको एजिंग की प्रॉब्लम है, आपकी सेंसिटिव स्किन है, मेकअप से आपको इरिटेशन होती है, तो आप ये सिप्ला की ये वाली जो मॉइस्चराइज़र है ये यूज़ करके देखना, बहुत अच्छा मॉइस्चराइज़र है। तो इसको भी मैंने अपने फेस पे लगा लिया, इसको मैंने फेस पे लगा लिया है। अब बारी है लिप्स की, तो मेरा लिप बाम कहाँ है नहीं मिल रहा, देखते हैं कहाँ है लिप बाम। उसके बाद लास्ट में अपना लिप बाम लगाती हूँ, ये एलोवे का लिप बाम है लेमन फ्लेवर का। लिप मॉइस्चराइज करना मुझे बहुत अच्छा लगता है, थोड़ा सा भी ड्राई लगता है तो बिल्कुल भी नहीं चलता है मुझे। सो ये है लिप कोटिंग ऑन की बॉर्डर वे लिप बाम, बहुत अच्छा लिप बाम है, 100 रुपीज़ में मिलता है। जितने सारे प्रोडक्ट्स मैंने यहाँ पर यूज़ किए हैं सारे लिंक्स मैं दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सिर्फ मैं ये सिप्ला का और लोशन वाला नहीं दे सकती क्योंकि मेरे डर्मोटोलॉजिस्ट ने मुझे ये सजेस्ट किया था, इसलिए मैं इसको यूज़ करती हूँ। लेकिन सिप्ला का ये वाला मैं शायद लिंक दे पाऊँ, लोशन का नहीं दे पाऊँगी लेकिन इसका शायद मैं दे पाऊँ, तो मैं दे दूँगी, आप चाहो तो चेकआउट कर लेना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और अगर आपको ये वाली वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा होगा तो मेक श्योर मेरे इस वीडियो को लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आप इंस्टाग्राम पे हो तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, मेरा इंस्टाग्राम हैंडल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।